बड़ी खबर खुफिया एजेंसियों के हवाले से मिल रही है। लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकी एलओसी से सटे इलाकों में उनकी मौजूदगी देखी गई है। घुसपैठ की कोशिश में ये आतंकवादी लगातार है। खुफिया एजेंसी के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, अलग अलग सेक्टर्स में मौजूद है आतंकियों की गतिविधियों को लेकर जानकारी मिल रही है, उनकी मौजूदगी को लेकर एक बड़ा इनपुट आ रहा है। तो एलओसी से सटे इलाकों में आतंकी मौजूद है। मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनीष, ये खुफिया एजेंसियों के हवाले से जानकारी मिल गई है कि लॉन्चिंग पैड पर बड़ी संख्या में आतंकियों की मौजूदगी हो सकती है, क्या अपडेट इसको लेकर? जी हाँ बिल्कुल, देखिए पीओके के जो एरिया है जिसमें हमने पहले बताया कि टेरर कैंप एक्टिव हो गए हैं, इसके साथ लॉन्चिंग पैड जो है एलओसी के नजदीक, वहां पर बड़ी संख्या में टेररिस्टों के मूवमेंट देखे जा रहे हैं। जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक कई ग्रुप हैं जिसमें 8 से 10 ग्रुप के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें हर ग्रुप में 4 से 5 आतंकी हैं, मोस्टली लश्कर तैयबा जैसे आतंकियों के ग्रुप हैं, और इसमें कई पाकिस्तानी आतंकी हैं जो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करना चाहते हैं और अनंतनाग की तरह बड़े आतंकी हमले करने की साजिश में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनसे कहा गया है कि काफी अलर्ट रहें, क्योंकि एक लंबे टाइम के बाद अगर आप देखें तो जब FATF की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे था तो उनके ऊपर दबाव था इंटरनेशनली, तो कई टेरर कैंप बंद किए गए थे पीओके में, लेकिन अब फिर से ये फुल फ्लेज टेररिस्ट कैंप एक्टिव हो गए हैं। और शायद इनकी कोशिश है कि विंटर्स में चूंकि बर्फ गिरेगी सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, उससे पहले जितने ज्यादा आतंकियों को दाखिल करा लिया जाए। मनीष, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आप तमाम जानकारियां ब्रेकिंग इनपुट साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों से, कुछ और अपडेट्स आएंगे हम लौटेंगे आपके पास। तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लगातार देखिए भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की यहां पर कोशिश लगातार आतंकियों की तरफ से की जा रही है। लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों का जमावड़ा भी देखने को मिला है, ये आपको आगे हम दिखाएंगे। Z News.